हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट पीजीटी सीरीज मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com तो बच्चों हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किए थे प्लांट किंगडम के दो ग्रुप्स यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइटा को आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हमारे रिमेनिंग ग्रुप्स जिनमें हम टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को कवर करेंगे और साथ ही करेंगे इस चैप्टर को फिनिश सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट के साथ जिसे हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स फाइट्स ओके सो so हम यहां पर डिस्कस करेंगे आज टेरिडोफाइट्स को जिनमें आप पढ़ने वाले हैं फर्न एंड हॉर्स को सो so अक्सर आपने कभी किसी हिल स्टेशन को विजिट किया हो या आप गार्डन को विजिट करते हो या सेवरल फॉरेस्ट को अगर आपने विजिट किया हो तो आपने ये ब्यूटीफुल से फर्न देखे ही होंगे इट तो ये फर्न जो होते हैं दे आर अंडर द ग्रुप कॉल्डो फाइटेड सेल ओके ये पहले ऐसे लैंड प्लांट्स हैं यानी कि टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास होता है वैस्कुलर टिश्यू यानी कि इनके पास होगा जाइलम एंड फ्लोएम तो जाइलम और फ्लोएम इनको फूड और वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं ओके सो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं द वैस्कुलर टिश्यूज ये एबसेंट होते थे इन केस ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स इसका मतलब क्या हुआ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट से ज़्यादा क्या हुए एडवांस्ड हुए इट ओके okay. अब ये पाए जाते हैं कहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर कूलनेस हो यानी कि थोड़ा सा कोल्ड एनवायरमेंट हो डैम प्लेसेज और शेडी प्लेसेज में ओके okay? और ये जो हैं कई इनके मेंबर्स हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में यानी कि ऐसा सॉइल जो ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन नहीं करता है तो ये ऐसी ड्राई सॉइल कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं अक्सर ओके okay. इनकी अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो वो होती है एक स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट की खासियत क्या है कि इनके हर बॉडी का जो सेल होता है वो होता है डिप्लॉयड इन नेचर यानी कि उनके पास होंगे दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स राइट सो स्पोरोफिटिक बॉडी की अगर आप मीनिंग को लिटरल मीनिंग को समझे तो मैंने आपको बताया था स्पोरोफाइट मतलब होता है स्पोर बेरिंग दे कैन प्रोड्यूस स्पोर्स है ना तो so, ये स्पोर प्रोड्यूस कहाँ करते होंगे इन टू द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम तो स्पोरेंजियम में ही अपने स्पोर प्रोड्यूस कर देते हैं और स्पोरोफाइड जो होता है इन केस ऑफ टेरिडोफाइट इज वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड इन टू ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स जो कि देखने को मिलता था एबसेंट इन द लोअर प्लांट्स जिनमें कि हमने कंसिडर किए थे कि इनको एल्गियन ब्रायोफाइट्स को याद है ब्रायोफाइट्स में तो आपको रूट जैसे यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे विच वर कॉल्ड द राइसॉइड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे को हम क्या बुलाते थे फिलोइड्स वो देखने को मिलते थे बट ट्रू स्ट्रक्चर्स एबसेंट थे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे द ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स अब हम बात करें इनकी लीव्स की तो लीव्स का जो साइज होता है ना वो टेरिडोफाइट्स uh, के केस में वेरी कर जाता है अक्सर आपको ये स्मॉल लीव्स के फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी तो स्मॉल लीव्स को हम बुलाते हैं द माइक्रोफिल्स माइक्रो वर्ड का मीनिंग आप सभी जानते हो इट मीन स्मॉल तो और फिल वर्ड को मैंने आपको रिलेट करना सिखाया था विथ लीव्स तो यानी कि दे आर गोइंग टू बी स्मॉल लीव और इसके एग्जांपल्स होते हैं फिलेजनरा जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं जहां पर आपको देखने को मिल रही हैं टाइनी टाइनी लीव्स ओके देन वी हैव द लार्ज लीव्स जिनको हम बुलाते हैं माइक्रोफिल्स मैक्रो वर्ड का मीनिंग ही आप जानते हो गए लार्ज और ऐसी को हम बुलाते हैं लार्ज लीव्स या मैक्रोफिल्स जो कि आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ फर्स तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोर अबाउट द स्पोरोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइट्स राइट सो जो स्पोरोफाइट होता है ऑफ द टेरिडोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी है इनकी वो कैसी होती है बच्चों डिप्लॉइड इन नेचर राइट और मैंने आपको बताया था स्पोरोफाइट वर्ड का मीनिंग होता है द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी तो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी के पास होंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स और आने वाले जो नेक्स्ट ग्रोप है विच इज के केस में आपको देखने को मिलेंगे ऑन स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल्स सो इस वर्ड को अब आप यहाँ से याद रखना सीख लीजिए तो स्पोरोफिल्स अगर वर्ड को आप ब्रेक करते हैं तो स्पोरो आता है ऑब्वियसली स्पोर्स एंड फिल वर्ड से obviously related है to the leaf. Okay? तो यानी कि ऐसे हैं जिनके ऊपर ये यानी कि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे द स्पोर्स अगर आप इस फिगर को देखते हैं इस फिगर में आपको कैसे यहां पर लीफ के जो लोअर सर्फेस है उन पर यह डॉटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं Isn't it? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर नथिंग एल्स बट दी और ये जो लीफ आपको देखने को मिल रही हैं इन्हें हम कहते हैं द स्पोरोफिल्स क्योंकि ये बेयर करती हैं इन स्पोरजिया को राइट ओके देन अब जो स्पोरोफिल्स हैं अक्सर आपको ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में तो ठीक ही ठीक है बट अक्सर आपको ना ये कॉम्पैक्टली अरेंज दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये ये जो लीव्स हैं कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगी और ये ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रोबलाय या सिंगुलर टर्म है तो वी कॉल इट स्ट्रोबिलस अक्सर ये टाइप की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है इन सर्टेन टेरिडोफाइट जिनमें आपको एग्जाम्पल लर्न करना है ऑफ सिलेजनेला एंड इक्विसिटम जो कि आपको इक्विसिटम यहां देखने को भी मिल रहा है इक्विसिटम इज बेसिकली कॉमनली कॉल्ड द हॉर्स टेल्स ओके सो इनको हम कॉमनली हॉर्स टेल्स भी बुलाते हैं अब इनको याद करने के लिए एक रफ सा आप यू नो रेफरेंस ले सकते हैं कि जब भी आप कभी किसी यू नो कंपटीशन में जहां पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का कंपटीशन हो वहां पर कभी चीटिंग नहीं करना है क्वल स्ट्रॉ से क्या पीना है अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं सो इक्वल से आप याद कर सकते हो इक्वेसिटम so, को स्ट्रॉ से, right? से आप याद सकते हो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रोबलस राइट स्ट्रॉबलस यानी कि कोर्स एंड से आप याद सकते हो दट इज फिलेजिनेला तो आप बेसिकली रफली ऐसी ट्रिक्स अपने हिसाब से भी बना सकते हो और अच्छी अगर आपके पास हो तो मुझे भी बताइएगा सो इन ट्रिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ दो स्टेरिडोफाइड जिनमें स्टोबल्स यानी कि कॉन्स का फॉर्मेशन देखा गया है देन वी हैव अनदर पॉइंट जिसमें हमको बताया जा रहा है कि जो स्पोरजिया हैं उनके अंदर ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होंगी दोर मदर सेल्स जिनकी इंप्लॉइडी क्या होगी वो आप मुझे बताएंगे क्या होगी भाई जल्दी बताइए येस स्पोरेंजिया की प्लॉयडी भी अगर डिप्लॉयड होती थी क्योंकि वो स्पोरोफाइट पे डेवलप होते हैं तो फिर इसका मतलब स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड हुए तो स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉयड होंगी ओके एंड ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं ये क्या करेंगी देवल अंडो को मियोसिस और मियोसिस करके क्या बनाएंगे हेप्लॉयड स्पोर्ट्स राइट तो स्पोर्ट्स की जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी हेप्लॉइड राइट right? तो यहाँ तक इनकी स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो कहाँ तक देखने को मिली हमें स्पोर मदर सेल्स तक जिसके बाद हो गया मियोसिस और स्टार्ट हो जाती है द हेप्लॉयड जनरेशन विच इज कॉल्ड द गैमिटोफिटिक जनरेशन ठीक है ना सो so, अब आप देखते हैं कि ये जो स्पोर्स बने थे हेप्लॉयड स्पोर्स ये जर्मिनेट करेंगे अब जब ये जर्मिनेट करेंगे तो किस जनरेशन को बर्थ देंगे डेफिनेटली द गैमिटोफिटिक जनरेशन जो कि होती है इनकॉन्स्पिक्वस्ट यानी कि ये बहुत वेरी वेल डेवलप्ड नहीं देखने को मिलेगी आपको बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में नहीं दिखती है ओके और ये होती है स्मॉल बट खासियत यह है कि ये होती है मल्टी सेलुलर और फ्री लिविंग यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है ऑन द स्पोरोफाइट ठीक है ना और साथ ही साथ इसको ये फ्री लिविंग नेचर प्रोवाइड कौन कर रहा है भाई इसको अपना सर्वाइवल करना है तो ऑब्वियसली इसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसको सर्वाइवल के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सके एंड दैट इज़ वाई इसके पास हम कहते हैं इट हैज एबिलिटी टू परफॉर्म फोटो सिंथेसिस ये फोटो होता है बिकॉज ऑफ विच इट इज़ फ्री लिविंग इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर इट्स नरेजमेंट एंड ऐसे गैमिटोफिटिक जनरेशन को जो कि स्मॉल मल्टी सेलर फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक है वी कॉल इट द प्रोथैलिस तो इसको आपको याद रखना है तो प्रोथैलिस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है द गैमिटोफिटिक जनरेशन ऑफ टेरेडोफाइट्स। ऑब्वियसली इसकी प्लॉइडी क्या होने वाली है ये yes, क्योंकि ये स्पोर से डेवलप हुआ है तो ये भी होगा हे प्लॉइड इन नेचर तो बच्चों ये जो प्रोथेलिस डेवलप होता है इसको चाहिए होती है कुछ कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल तो इसको चाहिए होती है कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस जहां पर ये इजीली फ्लरिश कर सकता है और साथ ही साथ इसको चाहिए होता है वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ इट्स गैमिट्स क्योंकि गैमिटोफाइट है भाई तो गैमिटोफाइट में होंगे गैमिट प्रोड्यूसिंग बैग्स कॉल द सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम गैमिटेंजिया कहते थे और उसमें बनते हैं द मेल एंड फीमेल गैमिट्स जिनके फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है एक मीडियम और वो मीडियम है वाटर सो गैमिटोटिक जो जनरेशन है उसको वाटर चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ इट्स गैमिट्स ओके और इसी वजह से ये जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू अ नैरो जोग्राफिकल रीजन यानी कि कुछ ये कंडीशन इनको सर्वाइवल के लिए मस्ट हैं अगर नहीं होंगी तो ये उन लैंड एरियाज पे नहीं ग्रो कर सकते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो एक नैरो बेल्ट ऑफ अर्थ पे ही यू नो प्रिवेल करते हैं पूरे अर्थ पे ही वाइड स्प्रेड नहीं है ओके okay? ओके okay. अगर आप देखें प्रोथैलस को तो प्रोथैलस का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को यहाँ पर दिख रहा है एन यू सी ये एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिल रहे हैं एंड ये फोटोसिंथेटिक है फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये अपना खाना खुद बना सकता है इसका मतलब ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है जब ये डिपेंडेंट नहीं है तो ये हो गया इनडिपेंडेंट इन नेचर ओके फाइन ना अब ये जो गैमिटोफाइट है ऑब्वियसली गैमिटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे द सेक्स सेक्सऑर्गन विच आर कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया जस्ट लाइक वी स्टडीड इन ब्रायोफाइटा है ना तो ब्रायोफाइटा में हम मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते थे एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बुलाते थे आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया बनाएंगे द मेल गैमीट्स कॉल एंथरोज़ोइड्स जो कि आपको यहां देखने को मिल रहा है और आर्किगोनिया बनाएगी द फीमेल गैमीट व्हिच इज कॉल्ड द एग ओके सो एंथरोज़ोइड्स और आर्किगोनिया के फ्यूजन के लिए व्हाट विल वी रिक्वायर मीडियम विच ऑज वाटर सो वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड एंथरोजॉइड ऑब्वियसली जैसे कि आपको नाम में दिख रहा है इट हैजॉइड वर्ड मीन्स इट हैज फ्लाजिला और ये मूवमेंट में इनको हेल्प करेगा ताकि ये एंथ्रीडिया से कहां पहुंच जाए टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया और आर्किगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास क्या प्रेजेंट है द एग जहां पर जाके ये एंथरोजॉइड फ्यूज कर जाएंगे विद द फीमेल गैमिट टू फॉर्म दाइगोट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड क्योंकि मेल गैमिट भी था हेप्लॉयड और फीमेल गैमिट भी था हेप्लॉयड तो इनके फ्यूजन से बना जो स्ट्रक्चर वो होगा डिप्लॉयड इन नेचर तो बच्चों अब हम देखते हैं कैसे जो डिप्लॉयड जयकोड बना था बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड द फीमेल गैमिट वो फर्दर डेवलपमेंट शो करेगा सो so, जो जायकोड बना था विच वॉज डिप्लॉयड इन नेचर सो ये जो डिप्लॉयड जायोड है ये फर्दर डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस या नॉर्मल सेल डिविजन करके एंड ये मल्टी सेल्युलर पोरोसाइड डेवलप कर देगा मल्टी सेल्युलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट क्या होता था हमारे टेरिडोफाइट्स की ही मेन प्लांट बॉडी होती है मैंने आपको बताया था ना जो मेन प्लांट बॉडी होती है इन टेरिडोफाइट्स वो होती है डिप्लॉइड और उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट क्योंकि वो बेयर करती है स्पोर्स को राइट right? ऑब्वियसली तो स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ऑब्वियसली इनके पास क्या होंगे स्पोरेंजिया होंगे और स्पोरेंजिया में क्या बनते थे याद करिए स्पोर्स, राइट right? क्योंकि में थे, स्पोर सेल जो करके बनाते थे स्पोर्स, राइट right? और ये जो स्पोर्स होते हैं ये हो सकता है के हो, कि इन के सेम हो, एक से देखने में हो बिल्कुल जस्ट लाइक दिस की सारे के सारे जो स्पोर्स हैं दे आर ऑल इन सेम साइज सो ऐसे स्पोर्ट्स को हम कहते हैं होमोस्पोर्स और इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरस कंडीशन या होमोस्पोरी बट कुछ ऐसे भी जेनरा हैं रफली एट जेनरा होते हैं इन टेरिडोफाइट्स जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग साइज के स्पोर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं मेगा स्पोर्ट्स और माइक्रोस्पोर्ट्स ऐसे वाले जो प्लांट जेनरा हैं टेरिडोफाइट्स के उन्हें हम कहते हैं हेटरोस्पोरस या वो शो करते हैं इस फिनन को जिसे हम कहते हैं हेटरोस्पोरी तो हेट्रोस्पोरी बेसिकली क्या है अगर आप वर्ड को ब्रेक करें तो हेट्रोमीन होता है डिफरेंट और स्पोरस मतलब होता है स्पोर सो so, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पोर देखने को मिलेंगे एक स्पोर का साइज होगा लार्जर तो वो वाला स्पोर कहलाएगा मेगा स्पोर क्योंकि मेगा वर्ड का मतलब आप जानते हो विच इज लार्ज ओके और दूसरा वाला जो स्पोर है वो सपोज स्मॉलर है साइज इसको हम बुलाते हैं माइक्रोस्पोर तो आप कहोगे बस साइज का डिफरेंस था इसलिए इनको हमने डिवाइड कर दिया नहीं एक्चुअली इनका नेचर भी डिफरेंट है द रीजन इज मेगा स्पोर जो है वो डिनोट करता है फीमेल स्पोर को यानी कि जब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये गिव राइज करेगा टू द फीमेल गैमिटोफाइट ओके वेन माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट तो माइक्रोस्पोर डिनोट करता है मेल नेचर को सो so, जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा दैट विल गिव राइज टू द मेल गैमिटोफाइट एंड आपको याद रखना है हेट्रोस्पोरस जेने के एग्जाम्पल ऑफ टेरेटोफाइट विच इज सिलाजिनेला एंड सैलविया और जिसको कि आप बेसिकली दो वर्ड से लर्न कर सकते हो सेल साल तो अगर आप डायरेक्टली और भी कोई अच्छी ट्रिक बनाना चाहते हो तो आप अपनी बना सकते हैं द की इज़ जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर तो आपको बस कुछ ऐसा बनाना है जिसके थ्रू आप रिटेन कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को तो सेल साल से आप सेलाजिनेला और सेल्वीनिया को याद रख सकते हैं ओके okay? तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट एंड टेरिडोफाइट्स तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जिसको आपको याद रखना है सो so, आप जानते हो जो फीमेल कैमिटोफाइट है जो डेवलप होता था, था फ्रॉम द मेगा स्पोर याद है ना सो मेगा स्पोर से फीमेल गैमिटोफाइट जो डेवलप होता है वो टेरिटोफाइट्स के केस में प्लांट की जो पेरेंट स्पोरोफेटिक बॉडी है वो उसी पे ही रिटेन रहता है उसी पर ही प्रेजेंट रहता है फॉर अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम ओके सो ये लंबे समय तक आपको दिख सकता है ऑन द स्पोरोफेटिक प्लांट बॉडी और आप जानते हो फीमेल गैमिटोफाइट्स में क्या बनता है द फीमेल गैमिट कॉल्ड एग

फीमेल गैमिटोफाइड यानी कि पहले जो एग था वो अकेला था इन साइड द फीमेल गैमिटोफाइड अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायोग बना वो भी प्रेजेंट है इन साइड द फीमेल गैमिटोफाइड ओके और जो फर्दर डेवलपमेंट है जायगोर्ड का टू फॉर्म द एम्ब्रियो वो भी कहां होगा इन साइड द फीमेल गैमिटोफाइड ओनली तो यानी कि आप देख रहे हो कि फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ऑफ द इंटायर एम्ब्रियो ओके ओके इस इवेंट को हम कंसिडर करते हैं एज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्योंकि सीड हैबिट में भी आप यही देखते हो कि यू you नो know, एक सीड के अंदर एम्ब्रायो जो है वो प्रिजर्व है और सीड बेसिकली आप देखेंगे ओव्यूल होते हैं है ना तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक होता था जिसके अंदर एग के फर्टिलाइजेशन से बनता था जाएकोर और जो एम्ब्रियो फॉर्म कर देता था तो ये कंडीशन यहाँ पर सबसे पहली बार देखी गई थी इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स इसीलिए इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है इन द एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स सीड हैबिट ओके तो चलिए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स सो so, टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं उनको हमने बेसिकली क्लासिफाई किया है इनटू द फोर क्लासेस विच आर एज फॉलोस पहली क्लास है आपकी साइलोप्सिडा दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा तीसरी है स्वीनाप्सिडा एंड चौथी क्लास है टेर तो आप जो ऑप्सिडा वर्ड देख रहे हैं यहां पर ये सफिक्स यूज होता है एज द सफिक्स फॉर क्लास इन द टेरिडोफाइट्स ठीक है ना ऐसे ही आपको ना ब्रायोफाइट्स uh, में भी देखने को मिलेगा लाइक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था लीवर वर्ड्स को हम प्लेस करते थे अंडर द क्लास कॉल्ड हिपैटिक ऑप्सिटा तो ऑप्सीडा वर्ड आपको दिख रहा है ऐसी मॉसिस हम प्लेस करते हैं अंडर द क्लास कॉल्ड ब्रायोप्सिडा तो ऑप्सिडा वर्ड जो है वो यहाँ पर क्लास को डिनोट करता है इन टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स ओके सो अगर आपको इनके बेसिक ये सीक्वेंस स्टार्टिंग के नेम्स याद करने हैं तो आई एम गिविंग अ स्मॉल ट्रिक जिसको आप सिंपली याद कर सकते हो विद द वर्ड सिली पीटर स्टीफन्स सो जितने भी पीटर एंड स्टीफन्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड दिस इज जस्ट अ ट्रिक आप भी इसको अप्लाई करके स्कोर कर सकते हैं गुड मार्क्स ओके सो बेसिकली जो सिली वर्ड है यहाँ पर इट रिनोर्ट्स साइलोटम और साइलॉप्सिडा ओके okay? तो सिल वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू साइल देन एल वाई जो यहाँ पर है दैट इज डिनोटिंग द नेक्स्ट क्लास कॉल लाइकऑपसिडा देन वी हैव पीटर जिसमें ऑब्वियसली हम पी को साइलेंट मानते हैं यहाँ पर रीडिंग में तो इट इज़ टेर ऑप्सिडा ओके एंड फाइनली वी हैव स्टीफन्स वर्ड का तो आप यहाँ पर टी को साइलेंट मान लीजिए तो आप यहाँ पर स्विनोपिडा क्लास को डिनोट कर सकते हैं राइट right? ओके okay. अब साइल के जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज़ वेरी सिंपल एक ही है वो भी इसी के नाम से डिराइव हो रहा है दैट इज साइलोटम तो साइलोटम को हम बुलाते हैं विस्कफोर्न ओके रिमेंबर देन लाइकोप्सिडा जो है ऑब्वियसली इसका भी नाम जो है वो इसी के क्लास से डिनोट हो रहा है दैट इज लाइकोपोडियम और लाइकोपोडियम को हम बुलाते हैं क्लब मॉस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर तो डू रिमेंबर दिस ओके देन वी हैव सेलेजिनेला सिलाजिनेला ऑल्सो कम्स अंडर लाइकोप्सिडा जिसको हम बुलाते हैं द स्पाइक मॉस देन वी हैविनोक्डा जिसमें आते हैं सारे हॉर्स्टेल्स तो इनके मेंबर्स को हम हॉर्स्टेल्स बुलाते हैं और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमने पीछे भी डिस्कस किया था विच वॉज इक्वीसीटम तो इक्वे सीटम इज द हॉर्स्टेल ओके देन वी हैव टेराप्सिडा जिसमें आते हैं सारे के सारे फर्नस ओके सो जो फर्नस हैं दे कम अंडर टेराप्सिडा क्लास एंड इसकी एग्जाम्पल्स हैं टेरिस जो कि इसी के नाम से डिलाईव हो रहा है और अगर आप इसके नाम के आगे ड्रायओ वर्ड लगा देते हैं तो ये बन जाता है ड्रायओ टेरिस एंड फाइनली वी हैव एडियांटम एडियांटम को हम बुलाते हैं वॉकिंग फोन द रीज़न वी कॉल इट वॉकिंग फोन इज बिकॉज इनकी जो लीव्स होती हैं उनकी टिप पर प्रेजेंट होती है बट और सपोज अगर ये लीव जो है वो आर्च करके बेंड कर जाती है टू द ग्राउंड और ये टच करती है तो वो बर्ड जर्मिनेट कर जाती है अगर वह बर्ड जर्मिनेट कर जाएगी तो वहाँ से डेवलप हो जाएगा एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट और यू नो जब नया प्लांट ग्रो करेगा तो उसकी टिप्पी भी होगी नहीं बट वो आगे की तरफ बेंड करेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा ऑन टू द सॉइल और इस तरीके से आप देखेंगे कि वो है ना ऐसे वॉकिंग करता हुआ दिख रहा है आपको पूरा प्लांट आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं विद द कॉमन नेम कॉल्ड वॉकिंग फर्न राइट अब हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द टेरिडोफाइट्स ओके सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं इसका मेडिसिनल पर्पज है यानी कि ये मेडिसिनली यूज़ होता है प्लस ये सॉइल बाइंडर्स की तरह भी यूज किए जाते हैं मोर ओवर इनको हम लोग गार्डन्स में ग्रो करते हैं एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्योंकि ब्यूटिफिकेशन के लिए ग्रो किए जाते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं इसीलिए तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स सो अगर हम जिम्नोस्पर्म इस वर्ड को ब्रेक करें तो हमें दो वर्ड्स मिलते हैं विच इज़ जिम्नोस जिसका कि मतलब होता है नेकेड And the next word is sperms, which is denoting the seed. So ये ऐसे plants हैं जिनमें कि naked seed present होते हैं अब naked seed क्या होते हैं भाई आपने generally देखा होगा कोई भी seed जो होता है वो हमेशा किसी fruit के अंदर आपको मिलता है है ना यानी कि seed जो हैं वो generally enclosed होते हैं fruit के अंदर But in case of gymnosperms, seeds are present हैं but चारों तरफ कोई fruit wall नहीं है ओके okay? दैट means इनके जो सीड्स हैं दे आर नॉट इंक्लोज फ्रूट्स चाहे बिफोर बात कर रहे हो फर्टिलाइजेशन की या आफ्टर फर्टिलाइजेशन राइट right? अब हम बात करते हैं इनकी हैबिट की तो ये कैसे फॉर्म्स में या अपेयर में आपको देखने को मिलेंगे दे आर जनरली मीडियम साइज ट्रीज यानी कि बहुत ज्यादा हाइट तक ग्रो करने वाली ट्रीज नहीं होंगी दे आर गोइंग टू बी मीडियम हाइट एंड मोस्टली दे आर गोइंग टू बी श्रब्स ऑल्सो बट वी हैव एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इस रूल का एक्सेप्शन है सेकोवा सेकोवा जिसको कि हम बुलाते हैं जाइंट रेडवुड ट्री ये अमंग द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज मानी जाती है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है तो याद रखिएगा इस एक्सेप्शन को बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है द सेकोवा इज नॉट अन एंजियोस्पर्म इट इज अ जिम्नोसपर्म फाइन परफेक्ट देन वी हैव अनदर पॉइंट कि इनका जो प्लांट बॉडी है जस्ट लाइक टेरेडोसाइड्स इनकी प्लांट बॉडी भी होती है स्पोरोफाइट जो कि होती है इन नेचर जब भी स्पोरोफाइड वर्ड आएगा यू हैव टू रिमेंबर वो डिप्लॉयड होने वाले हैं उसके सारे सेल्स ठीक है और स्पोरोफाइड बॉडी मतलब क्या होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी यानी कि इसमें आपको मेन प्लांट बॉडी में स्पोर्स बनते दिखेंगे ठीक है ओके और जो इनकी प्लांट बॉडी है वो वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है इन टू ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स में यानी कि जस्ट लाइक टेरिडोफाइड्स इनके पास भी ट्रू रूट्स हैं स्टेम्स हैं और लीव्स हैं फाइन एंड इनके पास होता है बास्कुलर टिश्यू बट वैस्कुलर टिश्यू में यू हैव अ स्मॉल स्मॉल एक्सेप्शन जैसे कि आपको याद रखना है इनका जो जाइलम होता है जैसे कि आप जानते हो कि जयलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिस जो कि बनता है मल्टीपल टाइप ऑफ यू नो सेल्स से सो जाइलम के बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते क्या आते भाई जैसे ट्रैकिड वेसल्स जायलम पारन कामाइन जाइलम फाइबर्स बट यहाँ पर ना आपको वेसल्स देखने को नहीं मिलेंगी तो वेसल्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स और ऐसे यू नो जाइलम से जो वुड प्रोड्यूस होता है उसे हम बुलाते हैं सॉफ्ट वुड ओके एंड प्लस फ्लोएम में फ्लोएम के कॉम्पोन क्या होते हैं भाई वी हैव सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेंट फ्लोएम फाइबर्स इनमें आपको कंपेनियन सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे ओके सो द कंपेनियन सेल्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट इन देर केस सो कंपेनियन सेल्स की जगह यहां पर होते हैं कुछ स्पेशलाइज स्टोरेज सेल्स जिन्हें हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स ओके सो डू रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन तो बच्चों अब हम जिम्नोस्पर्म्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि उनके आ, रूट स्टेम और लीव को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं तो भाई जो रूट होता है ऑफ़ जिम्नोस्पर्म वो होते हैं टैप रूट टैप रूट आप जानते हो ना टैप रूट जो होते हैं वो वो रूट्स होते हैं जो कि सीड के रेडिकल से डेवलप होते हैं आपने पढ़ा ही होगा सीड में आपको रेडिकल और प्रिम्यूल देखने को मिलता है और रेडिकल क्या गिव करता था टू द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट सो जो रूट किसी भी सीड या प्लांट के रेडिकल से डेवलप होते हैं उसे हम टैप रूट बुलाते हैं और उसका जो प्राइमरी मेन रूट होता है ना वो लॉन्ग लिव्ड होता है वो परसिस्टेंट रहता है और उससे सेवरल फर्दर ब्रांचिंग यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचिंग देखने को मिलती है so, इनके पास टैप रूट प्रजेंट होता है एज ए मेन रूट जो कि होता है पॉजिटिवली जियो सो पॉजिटिवली जियो का मतलब क्या है जियो वर्ड को आप ब्रेक करेंगे तो आप जानते हो आप जोग्रफी वर्ड से रिलेट कर सकते हैं ना जोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं अर्थ की स्टडी राइट सो ये वर्ड जो है दैट इज रिलेटिंग टू अर्थ एंड ट्रॉपिक वर्ड मतलब होता है ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जो कि डायरेक्शनल है टू वर्ड्स अ फोर्स जिसकी वजह से वो मूवमेंट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अर्थ की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस मूवमेंट पे वो कौन सा होगा अर्थ पे कौन सा फोर्स एक्ट करता है ग्रेविटी राइट right? और ग्रेविटी किस तरफ एक्ट करती है डाउनवर्ड्स राइट सो अगर मैं मान के चलूँ ये सपोज सॉयल सर्फेस है सो so, ये वाले जो रूट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका मतलब ये जो रूट्स हैं दे विल ग्रो डाउनवर्ड्स टू वर्ड्स द फोर्स यानी कि ग्रेविटी के तरफ इसी लिए दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज इनका जो मूवमेंट है वो अपने फोर्स के डायरेक्शन में ही है ओके okay? सो so, ये वाला जो रूट है जिनको हम बुलाते हैं टैप रूट इसमें आप देख रहे हो कैसे ये वाली जो मोटी सी आपको आ, जो रूट दिख रही है दैट इज़ अ प्राइमरी रूट और फर्दर उसमें ऐसे सेकेंडरी ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेंगी ठीक है और जो प्राइमरी रूट है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता ही रहता है और वो लॉन्ग लिव्ड होता है राइट बट कुछ ऐसी प्लांट की स्पीशीज़ हैं जिन्नोस में जैसे कि साइकस साइकस में आपको कुछ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स भी देखने को मिलेंगे यानी कि जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ग्रो करते हैं यानी कि इनकी ग्रोथ कहाँ होगी सरफेस के ऊपर ओके सो यानी कि ये या आपको यहाँ पर ऐसे ग्रो करते हुए दिखाई देंगे तो ये वाले जो रूट्स होते हैं जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं जो कि साइकस में देखने को मिलते हैं इन्हें हम बुलाते हैं कोरलॉइड रूट्स ओके सो इन रूट्स को हम बुलाते हैं कोरलॉइड रूट्स जिनमें की प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो जो कि होते हैं द ब्लू ग्रीन एल्गी राइट तो इनके अगर रूट्स के आप सेक्शन काटेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इनके अंदर आपको कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है सो so, इसीलिए साइकस की जो स्पीशीज है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर इनको कोरलॉइड रूट्स में नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो उनको ईजिली अवेलेबल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया ठीक है अब हम बात करते हैं पाइनस की तो पाइनस जो एक और टाइप का जिम्नोस्पर्म है जो कि पाइन ट्रीज आपने सुनी ही होंगी देखी भी होंगी ना ऐसी ब्यूटीफुल सी ये है साइकस ये साइकस है एंड दिस इज़ पाइनस तो पाइन ट्रीज अगर आपने देखी हैं तो इनके जो रूट्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा माइक्रोराइजर एसोसिएशन तो याद करिए जब मैंने आपको किंगडम फनजाए पढ़ाया था मैंने आपको बोला था जो फंजाए हैं वो हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके साथ भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं उसे हम कहते हैं माइकोराइसा राइट सो यहाँ पर भी आपको वो एसोसिएशन देखने को मिलेगा एंड विद द रूट्स ऑफ पाइनस ओके सो आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है गुड अब हम बात करते हैं स्टेम की तो जो स्टेम होती है जिम्नोसपम की दे कैन बी अनब्रांच्ड सो अनब्रांच्ड स्टेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इन केस ऑफ साइकस तो साइकस में आपको अनब्रांच स्टेम देखने को मिलेगी एंड अगर आप ब्रांच स्टेम की बात करें तो आप एग्जाम्पल पाइनस का याद कर सकते हैं जहां पर मेन स्टेम के साथ फर्दर ऐसी ब्रांचिंग हो जाती है इन टू सेवरल अदर ब्रांचेस राइट सो आपको यहाँ पर ऐसी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी सो so ये ब्रांच स्टेम का एग्जाम्पल है दैट इज पाइनस एंड दूसरा एग्जाम्पल है सेड्रस सेड्रस देवदार तो आपने इसके नाम ये देवदार के पेड़ आपने सुने ही होंगे नाम इज इन तो सेड्रस देवदारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है देवदार ट्रीज़ को ओके okay? एंड ये भी जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड दे आर ऑल वॉट ब्रांच स्टेम्ड ओके तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स सो so, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की लीव के बारे में तो इनकी लीव जो होती हैं दे कैन बी सिंपल आल्सो और दे कैन बी कंपाउंड सो कंपाउंड लीव के केस में क्या होता है जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ओरिजिनल लीव की लीफ लैम लीव, लीव मिडरप थी और ये इसमें जो लैमिना होती है ना वो बार बार ऐसे अंदर की तरफ इन्वाजिनेट करती है या फिर इन कर जाती है कट करती है और पहुंचती है एवरी टाइम टू द मेटर राइट तो अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इनमें सो so, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक लीफ में दिस इज एंटायर वन लीफ जिसमें की लीफ लैमिना बार बार कट होते हुए क्या कर रहा है मिड रिप को मीट कर रहा है ये सेंटर में जो जा रही थी ना दिस वॉज रिप और यहां पर मल्टीपल लीफलेट दिखाई दे रही हैं तो ये छोटी छोटी जो आपको दिख रही हैं आर द लीफलेट्स और ये एंटायर क्या है एक पूरी लीफ है ओके ओके और अब जो है हम ये मिड्रिप को मिड्रिप नहीं कहेंगे वी कॉल इट द रैकेस क्या कहते हैं हम इसको रैकेस

पिनेटली कंपाउंड लीव यानी कि पिनेट लीव्स देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से ओके सो so, यानी कि बार बार आपको देखिए कैसे लीव के लैमिना का इंसेजन यानी कि कट देखने को मिलेंगे अपटिल द मिडरिप एंड फाइनली आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लीफलेट्स में डिवाइड होती हुई दिखेगी आपकी लीव ठीक है और ये जो लीव्स होती हैं दे परसे फॉर सेवरल ईयर्स यानी कि ये जो लीव है ये सेवरल ईयर्स तक यू नो थ्राइव कर सकती हैं लिव कर सकती हैं ओके ये ईजिली शेड नहीं होती हैं देन अब हम बात करते हैं जिन्होसोम के जो लीव्स होती हैं ना दे कैन विस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन ह्यूमिडिटी एंड विंड येस इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत हार्डी होती हैं दैट मीन्स ये किसी भी टेम्परेचर uh, कंडीशन को ह्यूमिडिटी विंड के इफेक्ट को ईजिली विस्टैंड कर सकती है उनको ओवरकम कर सकती हैं एंड देन अगर हम बात करें कॉनिफोर्स की कोनेफोर्स में आते हैं पाइंस ना तो यानी कि यहाँ पर हम पाइनस का एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो तो आपने कभी पाइन ट्री को देखा होगा तो उनकी जो लीव्स होती हैं आप देख रहे हो कैसे यहाँ पर ऐसे नीडल लाइक हो रही हैं है ना ये देखिए कैसे नीडल लाइक आपको जो लीव्स देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सो so, कोनेफर्स के केस में आपको नीडल लाइक लीव्स देखने को मिलती हैं टू रिड्यूस द सर्फेस एरिया तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये सर्फेस एरिया को रिड्यूस कर रही हैं और ऐसा ये क्यों कर रहे हैं भाई क्योंकि बेसिकली uh, इनको ड्राई कंडीशंस में ग्रो करना है ओके okay, तो यानी कि ये अडेप्टेड होती हैं टू द जीरो कंडीशन ओके यानी कि जीरो वर्ड का मतलब होता है ड्राई सो ड्राई कंडीशन में ये ग्रो करने के लिए इस अडेप्टेशन को यू you नो know, अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं इस तरीके से दैट इनका जो सर्फेस एरिया है वो रिड्यूस करके दे बिकम पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम नीडल लीव कहते हैं ओके okay, सो so इनके पास थिक क्यूटिकल भी होती है वो कंडीशन जो कि इनको इन टाइप की कंडीशन यानी कि जीरो फेटिंग कंडीशन में ग्रो करने में हेल्प करे एंड साथ ही इनके पास होते हैं संकिन स्टोमेटा यानी कि जो उनके स्टोमेटा होते हैं वो काफ़ी अंदर डीपली सीटेड होते हैं ओके तो इससे क्या होगा जो वाटर लॉस है वो इसको प्रिवेंट कर पाएंगे ठीक है तो चलिए बच्चों अब हम जिम्नोसफॉर्म से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं लाइक like, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे आर ऑल हेट्रोस्पोरस। सो हेट्रोस्पोरस मतलब ये हेट्रोस्पोरी शो करते हैं हेटरोवर्ड मैंने आपको बताया था डिफरेंट एंड स्पोरस मीन्स स्पोर्ट्स यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स और आपको पता है जिम्नोस्पर्म की बॉडी होती है स्पोरोफाइड एंड दे प्रोड्यूस ऑब्वियसली द स्पोर्ट्स सो जो इनके स्पोर्ट होते हैं लाइक द टेडिडोफाइड्स कुछ टेडिडोफाइड्स की तरह दे कैन भी है ना डिफरेंट इन दरसाइज और नेचर में भी तो so, जो मेल स्पोर्ट होते हैं उनको हम इक्रोस्पोर्ट्स बुलाते हैं एंड द फीमेल स्पोर्स आर कॉल्ड मेगा स्पोर्ट्स जस्ट लाइक टेरिडोफाइट्स ओनली ठीक है अब ये स्पोर्स कहां बनेंगे तो आपको याद है ये जो कंडीशन में दिखाई है दिस इज ठीक है अब स्पोर्ट्स बनते कहाँ हैं भाई बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया है ना तो यहां पर इनके स्पोर्स के नाम पे ही इनके स्पोरेंजिया के नाम भी पड़ेंगे जैसे माइक्रोस्पोर बनना है तो स्पोरेंजिया का नाम बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया तो माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया सिमिलरली मेगा स्पोर्स जो है दे विल बी प्रोड्यूस इन द मेगा स्पोरजिया और सिंगुलर होता है स्पोरेंजियम तो आप इसको माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरानजियम भी कह सकते हैं ओके ओके अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया uh, है यानी कि स्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे याद करिए मैंने टेरिडोफाइट्स में आपको रेफर किया था कि इनके जो स्पोरेंजिया हैं कुछ फर्टाइल लीव्स पे प्रेजेंट हैं उन लीव्स को हम बुलाते थे स्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स याद है वेरी गुड सो जो हैं वो भी यहां पर स्पोर पे डिपेंड करेंगे उनके नेम्स लाइक जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो प्रेजेंट होंगे ऑन हों द माइक्रोस्पोरोफिल्स याद है ना वो लीव वाला स्ट्रक्चर जिसपे मैंने आपको डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाए थे दो तो स्पोरजिया कहाँ हैं ऑन दो लीव ना इसीलिए अगर वो मेल स्पोरजिया को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी कॉल दैम माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड यहाँ पर अगर वो फीमेल्स स्पोरजिया प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी कॉल दैम मेगा स्पोरोफिल्स राइट right? ओके okay. एंड फाइनली यहाँ इस केस में वहाँ टेरिडोफाइट्स में कुछ ही ऐसी स्पीशीज थी जो कि यू नो कॉम्पैक्टली अरेंज होती थी जिनकी लीव्स यानी कि स्पोरोफिल्स जो होते थे वो कॉम्पैक्ट अरेंज करके कोन लाइक स्ट्रक्चर या याटोबलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म के, के केस में ये कंडीशन प्रीडोमिनेंट दिखेगी यानी कि जिम्नोस्पर्म जो है उनमें आपको स्ट्रोबलस या फिर कोन का फॉर्मेशन दिखेगा ओके तो यानी कि ये जो स्पोरोफिल्स हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द स्ट्रोबिलाय ओके okay, यानी कि ये सारी लीव जो हैं, दे आर गोइंग टू अरेंज दम कुछ इस तरीके से दैट दे फॉर्म कोन्स और स्ट्रोबिलाई ठीक है तो ये कोन जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं सो so, अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोफिल्स की तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज करेंगी इस तरीके से एंड दे विल फॉर्म द मेल स्ट्रोबिलाई जिसको हम बुलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट ओके एंड वेन वी टॉक ऑफ द मेगास्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स तो मेगा स्पोरोफिल्स भी इसे कॉम्पैक्टली अरेंज करके बनाएंगी द फीमेल्स जो भी लाए जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजीएट ओके आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो आप बेसिकली इस सीक्वेंस को याद रखिए और सबके आगे माइक्रो माइक्रोमेगा लगाते जाइए और आपको आपका यू नो इन्फॉर्मेशन याद होता जाएगा सो स्पोर्स हैं डिफरेंट टाइप के माइक्रो एंड मेगा तो उसी के हिसाब से मेगा एंड माइक्रो क्या होंगे स्पोरेंजिया जो कि प्रोड्यूस होंगे ऑन द स्पोरोफिल्स एंड दे आर गोइंग टू अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट कौन लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम स्टोबिलाय कहते हैं राइट right? तो जिम्नोसपर्म्स में जो मेल एंड फीमेल स्टोबिलाय होते हैं वो एक ही प्लांट पर भी ग्रो कर सकते हैं यानी कि इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोशियस कंडीशन जहां पर मेल और फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट ओके और दे कैन ऑल्सो भी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट ट्रीज में भी इन केस ऑफ जिम्नोसर्म जिस कंडीशन को हम कहते हैं डायोशिस यानी कि मेल प्लांट अलग होगा जिसके पास मेल स्ट्रोबिलाई होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा जिसके पास फीमेल स्ट्रोबिलस होगा राइट सो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायोशियस कंडीशन ओके तो मोनोशियस कंडीशन यानी कि जहां पर मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है वो देखने को मिलती है इन केस ऑफ पाइनस तो आप इसको याद कर सकते हो विद वर्ड पी प्राइम मिनिस्टर से ठीक है एंड डायोशियस कंडीशन को आप देखने को मिलेगी आपको इन साइकिस जिसको कि आप डीसी यानी कि आप डेली कैपिटल्स देखते हैं आई में या फिर आप सी के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं सो बेसिकली रिलेटेबल है इस तरीके से ठीक है अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम की सो so, जिम्नोस्पर्म का जो मेगास्पोरेंजियम है मेगास्पोरेंजियम यानी कि वो स्पोरेंजियम जिसके अंदर क्या बनते होंगे मेगास्पोर्स स्पोर्ट्स इज इन डुड तो मेगास्पोरेंजियम को हम और क्या बुलाते हैं ओव्यूल और ओव्यूल जब मेच्योर करता है तो क्या फॉर्म करता है सीड और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है तो सीड तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा वो भी कैसा नेकेड सीड तो यानी कि मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल बेसिकली सेम चीज़ है तो अब आपको इस चीज़ को याद रखना है तो मेगास्पोरेंजियम या जो ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म का दैट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल तो आप यहाँ पर इस फिगर में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को देख भी सकते हैं सो तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपको बेसिकली ऐसे इरेक्ट यानी कि सीधा दिखाई देगा ओके तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टॉक होती है जिसे हम बोलते हैं द फ्यूनिकल, फिर यहां पर इसका एक बेसल पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं चलायसा एंड ये पोर्शन जो एपाइकल पोर्शन होता है एपिक्स प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं द माइक्रोपाइल सो so, ये तीनों की तीनों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फ्यूनिकल है चलाजा है और जो माइक्रोपाइल है दे ऑल लाई इन द सेम लाइन यानी कि ये सबसे स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहे हैं ऐसे ओव्यूल को हम कहते हैं ऑर्थोट्रॉप ओव्यूल जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ जिम्नोसपम्स तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा ओके ओके अब आप इस ध्यान से अगर इस ओव्यूल को ही देखें तो आपको ना यहाँ पर एक सेंट्रल रीजन देखने को मिल रहा है जहाँ पर बहुत सारे अनडिफ्रेंशियटेड सेल्स हैं मतलब ऐसे सेल्स जिनका कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं है दे आर जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड ग्रोइंग इन में से एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कोई एक सेल सपोज ये वाला सेल डिफरेंशिएट हो गया ओके okay? सो so, ये जो सेल डिफरेंशिएट हुआ है इसको हम बुलाएंगे मेगास्पोर मदर सेल ठीक है क्योंकि ये मेगा में प्रोड्यूस हुआ है ना तो आपको पता है, है? ना yes, तो ऑब्वियसली तो अगर ये ओव्यूल है जिसे हम मेगा स्पोरजियम कहते हैं तो इसके अंदर क्या होंगे ऑब्वियसली द मेगा स्पोर मदर सेल्स जो कि अंडो करेंगे मियोसिस टू प्रोड्यूस वॉट डेफिनेटली द मेगा स्पोर्स और द फीमेल स्पोर्स सो ओव्यूल के अंदर होता है मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जिन्हें हम न्यूसेल्स कहते हैं है ना ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल था जैसे हम न्यूसेल्स कहेंगे एंड इनमें से एक सेलर सेल cell जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है इन टू मेगास्पोर मदर सेल आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं जो मेगास्पोर मदर सेल बना था उसका क्या होता है अब so, तो जो मेगास्पोर मदर सेल बनता है वो अंडरको करेगा मीओसिस टू फॉर्म फोर हेप्लॉइड मेगास्पोर्स राइट right. सो so, अब हम डिस्कस करते हैं सपोज मान लेते हैं ये हमारा मेगास्पोर था जो कि अंडो को करेगा मियोसिस और मियोसिस करके बनेंगे फोर हेप्लॉयड मेगास्पोर्स ओके ये चार हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं ऑल आर गोइंग टू बी हेप्लॉयड राइट सो इनमें से जो तीन मेगा स्पोर्स हैं दे आर गोइंग टू डीजेनरेट यानी कि ये नॉन फंक्शनल रह जाएंगे ये गायब हो जाएंगे एंड ओनली वन इज गोइंग टू रिमेन फंक्शनल सो अगर ये फंक्शनल मेगा स्पोर है सो दिस विल गिव राइज टू द फीमेल गैमिटोफाइट आपको पता ही है जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है गैमिटोफाइट और सिंस ये मेगा स्पोर है यानी कि फीमेल स्पोर है तो ये ग्रो करके क्या बनाएगा फीमेल गैमिटोफाइट राइट right? सो so, यहां बन जाएगा फीमेल गैमिटो फाइट ओके okay. अब ये जो फीमेल गैमिटो फाइट है ये कहां पर ये सारा डेवलपमेंट आपको कहां देखने को मिल रहा है इनसाइड द ओव्यूल याद करिए मैंने ओव्यूल में ही आपको एक सिंगल सेल बताया था जो डिफ्रेंशिएट हो गया जिसमें ये डिवीजन हुई और चार मेगास्पोर बने तो एक मेगास्पोर जो फंक्शनल रह गया है वो अभी भी किसके अंदर है और ओव्यूल के अंदर है और ओव्यूल के अंदर ही बनेगा द फीमेल गैमिटो राइट right? सो so, मैंने आपको बोला वन ऑफ द मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमिटोफाइट प्रोड्यूस कर देगा और फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर क्या बनेंगे दो या दो से ज्यादा गैमिटाइनजिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं आर की गोनिया ओके ओके तो मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं तो देखिए बच्चों कैसे इस ओव्यूल के अंदर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना था उसमें ये फीमेल गैमेटोफाइट है पूरा ओके तो इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कैसे दो या दो से ज्यादा गैमेटाइंजिया फीमेल गैमेटाइंजिया जैसे मार्की गोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं वो डेवलप होते हैं और इन फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा द एग तो यहां पर आपको एग देखने को मिलेगा ओके सो फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर दो से ज़्यादा गैमिटांजिया आर्किगोनिया देखने को मिलेंगे जिनको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं फाइन ठीक है और जो फीमेल गैमिटोफिटिक जनरेशन है वो भी रिटेन रहती है इनसाइड साइड द मेगास्पोरजियम जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है ये जो फीमेल गैमिटोफाइट है ये वेल प्रोटेक्टेड है इनसाइड द ओव्यूल और ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं द मेगास्परजियम तो इस चीज़ की शुरुआत कहाँ देखने को मिली थी है हमको टेरिडोफाइट में राइट right? और यहाँ पर ये यह चीज़ प्रोमिनेंट हो गई है

ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके बनाते हैं ऑब्वियसली द मेल गैमिटोफाइट और मेल गैमिटोफाइट जो होता है जिम्नोस्पर्म्स के केस में कहलाता है द पोलन ग्रेन ओके और आप सभी को पता है गैमिटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं गैमिट्स तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे मेल गैमिट्स बिकॉज ये मेल गैमिटोफाइट है फाइन ठीक है अब जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम और वो कैरी करता है विंड विंड उसको कैरी करके पहुंचा देता है टू द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल प्रेजेंट ऑन द मेगास्पोरोल कहाँ प्रेजेंट थे ये दे आर मेगा ना ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते थे और स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते थे इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ऑन फर्टाइल दो जिन्हें हम क्या कहते थे मेगा स्पोरोस राइट सो मेगा स्पोरोस पे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके माउथ तक एयर इसको यू नो फ्लोट कराते हुए ले जाती है जैसे कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो दिस इज द पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस तो पाइनस का जो पोलन ग्रेन है उसमें आपको ये दो विंग्स देखने को मिलते हैं सो so, ये बेसिकली विंग्स हैं ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस ठीक है और आपको यहाँ पर ये सेंट्रल सेल देखने को मिल रहा है सो वॉट हैपन्स इज ये पोलन ग्रेन ऑब्वियसली फ्लोट करता हुआ पहुँच गया कहाँ पर इस ओव्यूल के माउथ के ओपनिंग पर एंड वॉट विल हैपन जैसे ही ये वहाँ पहुँचेगा तो इसका जो सेल्यूलर कॉन्टेंट है वो ऐसे प्रोट्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ पोलन ट्यूब तो ये पोलन ट्यूब के फॉर्म में अपना कॉन्टेंट जो है वो आगे प्रोट्यूट करेगा और यहां पर आ जाएंगे मेल गैमिट्स ओके तो मेल गैमिट्स गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर धीरे धीरे ये जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल की वॉल को क्रॉस करता हुआ पहुंच जाएगा टुवर्ड्स द फीमेल गैमिटोसाइड जो कि यहां पर ये है इजेंटेड और फीमेल गैमिटोफाइड में क्या प्रेजेंट है दीज सेक्स ऑर्गन्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल आर की गोनिया इजेंटेड यस तो ये यहाँ पहुँच किसी भी आर की गोनिया को इस तरीके से पहुंचेगा उसके पास और अपना कंटेंट रिलीज कर देगा आर्किगोनिया के माउथ पे तो जितना भी कंटेंट है उसका यानी कि जो भी सेल्युलर कंटेंट था प्रेजेंट साथ में जो भी मेल गैमीट्स प्रेजेंट थे इस पोलन ट्यूब में वो रिलीज हो जाएंगे इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन या आर्किगोनिया में और आपको पता है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट था द एग सो एग के साथ ये जो मेल गैमिट्स आए हैं इन द पोलन ट्यूब वो आके कर जाएंगे फर्टिलाइज और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा एक zygote, so, जो है, वो करके, के में कहा जाएगा कॉन्टेंट रिलीज कर देगा और फिर फाइनली क्या होगा जो मेल गैमिट्स हैं वो कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो बच्चों अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन जिम्नोस्पर्म्स राइट सो हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि डेवलप हुआ था बाई द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट वो कन्वर्ट हो जाता है इन टू द एम्ब्रायो राइट एंड देन जो ओव्यूल्स होते हैं द नेकेड ओव्यूल्स विच वॉट इन साइड द ओवरी वॉल राइट वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन टू द सीड्स आई होप आपको याद है क्योंकि हम जिम्नोसप के बारे में बात कर रहे हैं सो द सीड्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट बट वो किसी फ्रूट वॉल के अंदर इंक्लोज नहीं होंगे राइट तो दे आर नॉट कवर्ड और इंक्लोज विद्रूट आई होप दिस इज क्लियर नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं सर्टेन एग्जाम्पल जो कि हमने जिम्नोस्पर्म के केस में देखे थे सो so, कौन कौन से एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं वी हैव टू लर्न पाइनस जो कि पाइन ट्रीज को दिखाता है ओके देन वी हैड गिंको देन साइकस एंड लास्टली वी लर्न सेकोवा राइट। right. सो so, ये चार एग्जाम्पल्स जो हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखते हैं सो so, इनको याद रखने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं सो so, लाइक like, आप इसको याद कर सकते हैं विथ द सेंटेंस पिंटू ने जीनी को साइकिल सिखाया ओके सो यहाँ पर आप पिंटू से डिनोट कर सकते हैं पाइनस को जीनी से आप याद रख सकते हैं गेंगो को देन साइकिल से आप याद रख सकते हैं साइकस को एंड सिखाया से आप याद रख सकते हैं सिकोवा को राइट तो चलिए बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे प्लांट किंगडम के लास्ट ग्रुप और मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट ब्यूटिफुल एंड डाइवर्स ग्रुप विच इज एनजियो तो सो में आने वाले सारे प्लांट्स को हम बुलाते हैं द फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज इनमें प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर्स राइट right? सो फ्लावर्स बेसिकली क्या होते हैं फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स है ना बड़े ही ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं कैन यू सी कितने अट्रैक्टिव होते हैं ये फ्लावर्स इट सो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में आपको देखने को मिलेगा कि सीड्स जो हैं वो दे आर गोइंग टू बी एनक्लोज विद इन अ फ्रूट यानी कि यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन भी है तो यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के से डिफरेंट अगर आप कहें तो एंजियोस्पर्म में फ्रूट और फ्लावर दोनों का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो कि जिम्नोस्पर्म्स के केस में एबसेंट है वहाँ केवल सीड देखने को मिलेगा ठीक है ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हो सीड्स जो है वो इंक्लोज है इनसाइड साइड द फ्रूट और जो एंजियोस्पर्म्स स्पर्म्स है वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट यानी कि जगह जगह पर आपको अलग अलग वराइटी ऑफ प्लेसेस पर ग्रो करते हुए मिलेंगे ठीक है और इनका साइज स्मॉलेस्ट यू नो प्लांट से जिसको क्या कहते हैं फ्लावर जिसे हम वोल्फिया कहते हैं उससे इवन हंड्रेड हाई ट्रीज तक जा सकता है तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर टाइनी से फिंगर पे आपको ये वुल्फिया दिख रहे हैं एंड यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल यूक्लिप्टिस ट्रीज ऑल्सो जो कि सेवन हंड्रेड मीटर्स तक भी जा सकती हैं ओके okay? तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनजियो यानी कि हम देखते हैं कि कैसे एनजियो को हम फर्जर क्लासीफाई कर सकते हैं तो बेसिकली एनजियो को उनको नंबर ऑफ कॉटिलेडन यानी कि सीड लीव्स के बेसिस पे दो क्लासेस में किया है डिवाइड और उन क्लासेस का नाम है पहली क्लास है डाई ओके या डायकोटिलेडन्स एंड द सेकेंड क्लासेस मोनोकॉटिलेडन जिसमें आप देख सकते हो जैसे डाय हैं तो डायकॉटिलेटने में आपको दो कॉटिलेडन देखने को मिलेंगे यानी कि दो सी लीव्स एंड इन केस ऑफ मोनोकॉटिलेडन द मोनो वर्ड डिनोट्स वन इसका मतलब यहां पर एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों क्लासेस को और कंपेयर करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं एक कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन द टू क्लासेज ऑफ एनजियो फर्म विच आर मोनोकॉटिलिडनी एंड डायकॉटिलिटने ओके सो मोनोकॉट्स और डायकॉर्ड्स के बीच में ये जो कंपेरेटिव स्टडी है ये इनके बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है राइट right? सो so, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम इनका पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन लेंगे दैट इज गोइंग टू बी द सीड और सीड में भी क्या द नंबर ऑफ कॉटिलेडन राइट सो जो पहला पॉइंट है दैट इज द नंबर ऑफ कॉटिलेडन और आपको पता है मोनोकॉर्ड्स में ऑब्वियसली आर गोइंग टू बी प्रेजेंट वन कॉटिलेडन एंड इन डायकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे दो कॉटिलेडन्स राइट परफेक्ट देन वी हैव द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंगशन विच इज़ रूट तो इनके रूट्स में क्या डिस्टिंक्शन है यानी कि किस तरह से ये डिफरेंट है सो so, अगर हम बात करें मोनोकॉट्स की तो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि जो इनका प्राइमरी रूट है दैट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग लिफ्ट ये बहुत शॉर्ट लिफ्ट होता है यानी कि जो मेन रूट है जो रेडिकल से डेवलप हुआ था दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग लिफ्ट ये थोड़ी सी डेप्थ गेन करने के बाद जो है वो ग्रो करना बंद कर देता है और इसकी जो लेट्रल ब्रांचेज निकलती हैं वो ज़्यादा ग्रो करती हैं ओके okay? सो so, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर और वो पूरी तरह से ना इस तरीके से फैल जाती है ब्रांचिंग कर करके सो so, ये जो सिस्टम है इसमें आप क्या देखेंगे कि जो प्राइमरी रूट है ना वो खोजा जाता है एंड यहाँ पर आपको खूब सारी लेटरल ब्रांचेस देखने को मिलेंगी तो ऐसा जो रूट सिस्टम है वी कॉल इट द फाइब्रस रूट सिस्टम ओके ठीक है और इन केस ऑफ डायकॉट्स आपको देखने को मिलता है द टैप रूट सिस्टम जिसमें होता है एक यू नो प्रमिनेंट प्राइमरी रूट जो कि लॉन्ग लिव्ड है और वो ग्रो करता ही रहता है थ्रू आउट द प्लांट लाइफ एंड साइड में उसके निकलते रहते हैं दीज सेकेंडरी ब्रांचेस एंड टर्शरी ब्रांचेस में जो फर्दर डिवाइड होती रहती हैं फाइन ठीक है देन अगर हम बात करते हैं इनकी फ्लावर की तो फ्लावर में अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ मोनोकॉट्स आपको जितने भी फ्लोरल वर्ल्स हैं यानी कि फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि उनके नंबर ऑफ़ सेपल्स पेटल्स स्टेम्स ये सब ना आपको अक्सर थ्री के मल्टीपल्स में देखने को मिलेगी यानी कि थ्री आपको हो सकता है थ्री सेपल्स देखने को मिले या थ्री की जगह आपको सिक्स देखने को मिले सिक्स सेप्पल सिक्स पेटल्स इस तरीके से यानी कि थ्री का मल्टीपल ही होगा ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्राईमेरस कंडीशन क्या कहते हैं हम ट्राईमेरस यानी कि ट्राई वर्ड बनाता है डिनोट दे, करता है थ्री तो यानी कि यहाँ पर जो भी फ्लोरल वर्ल्स देखने को मिलेंगी दैट विल बी इन द मल्टीपल्स ऑफ थ्री ओके वाइल अगर हम बात करें डाइकॉट्स की तो आपको यहाँ पर जनरली जो पेटल्स हैं या फिर जो फ्लोरल वर्ल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन मल्टीपल्स ऑफ फोर या फाइव जनरली फाइव बट फोर ऑल्सो तो इन कंडीशन को अगर फोर हैं तो हम इसको कहेंगे टेट्रामेरस कंडीशन ठीक है और अगर फाइव के मल्टीपल्स में है तो वी कॉल इट पेंटामेरस कंडीशन तो ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ द डाइकॉट्स ओके अब हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ द लीफ तो हम लीफ के बेसिस पे कैसे पहचाने कि भाई हमारा प्लांट जो है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है सो so, आपको जो जनरल पॉइंट है उसमें आप ये समझ सकते हैं कि मोनोकॉट्स की जो लीव्स हैं वो जनरली आपको मिलेंगी इलॉन्गेटेड कुछ इस तरीके से और उनमें आपको देखने को मिलेंगी ना ऐसी पैरल वेन्स तो इस विनेशन को हम कहते हैं पैरेलल विनेशन जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑफ मोनोकॉट्स तो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ सपोज इनकी अगर ये लीफ है तो इनमें आपको ऐसी पैरेलल वेन्स देखने को मिलती हैं ओके सो ये कंडीशन है मोनोकॉट के लिए पिक्यूलियर वेन वी टॉक ऑफ डायकॉड्स डायकॉड्स के केस में आपको जो लीफ है वो देखने को मिलेगी ऐसी ब्रॉड और ब्रॉड लीफ पे जो वेन्स हैं उनमें एक कॉम एक सिंगल आपको मिडवे, मिडरेबिया, मिडवेन मिड वेन देखने को मिल सकती है जो कि फर्दर ब्रांच करती है इनटू सेवरल अदर वेन्स और उनमें भी आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी तो यानी कि पूरी तरह से ना ये वेन का नेटवर्क आपको देखने को मिलता है ऑन द लीफ लैमिना सो ये जो नेटवर्क वाला विनेशन आपको देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन सो डायकॉड्स की अगर हम बात करें तो इनमें आपको रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलेगा ओके okay, भाई अगर हम मोनोकॉर्ड्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा क्या द वेनेशन आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मोनोकॉड्स एंड डायकॉर्ड बहुत ईजिली क्लियर हुए होंगे और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इनको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं ओके नाउ लेटेस्ट डिस्कस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन एंजियोस्प्स राइट right. सो so, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तो वी आर स्टार्टिंग विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड स्टेमेंट्स इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स तो स्टेम्स बेसिकली क्या है स्टेमिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एंथर एंड फिलामेंट तो आपको यहाँ पर ये स्टेमेंट्स देखने को मिल रहे हैं आर थ्री स्टेमेंट जिनमें कि आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ एक सोलन सा पार्ट है जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे ऐसे अटैच्ड है ओके okay? ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट ऑब्वियसली ये थ्रेड लाइक आपको दिख रहा है ना इसलिए इसको फिलामेंट कहा एंड यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं द एंथर और एंथर जो होता है इट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन यानी कि इसमें कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस द स्पोर्स एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं द पोलन मदर सेल्स पोलेंड मदर सेल्स क्या करते हैं भाई पोलेंड मदर सेल्स वही जो स्पोर मदर सेल्स होती थी सो पोलेंड मदर सेल्स कह लो या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कह लो बहुत आर सेम हो गए हो सो पोलेंड मदर सेल्स जो है वो अंडर को करेंगी ऑब्वियसली मियोसिस और मियोसिस करके क्या बनाएंगे वो हेप्लॉइड स्पोर्स जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स क्योंकि भाई स्पोर्स मेल हैं तो ऑब्वियसली माइक्रो वर्ड आपको लगाना ही पड़ेगा ठीक है तो माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर डेवलप हुए ओके और माइक्रोस्पोर्ट फर्जर किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इंटू द मेल गैमिटोफाइट विच इज कॉल्ड द पोलिन ग्रेन जिम्नोस्पर्म में भी हम मेल गैमिटोफाइट को पोलिन ग्रेन कहते थे और यहाँ एनजियोस्प में भी हम पोलिन ग्रेन को ही मेल गैमिटोफाइट कहेंगे सो लेट्स नाउ डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स तो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स तो उसको हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल ओके okay? सो so, आपने लोअर क्लासेस में भी पिस्टल और कापल पढ़ा है जिसके होते थे थ्री पार्ट्स है ना जिसमें हम देखते थे कि एक अपर रिसेप्टिकल होती है जिसे हम कहते हैं द दे स्टिग्मा देन वी हैव हाँ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल द स्टाइल एंड देन वी हैव हाँ नीचे वाला एक सोलन सा पोर्शन विच इज कॉल्ड द ओवरी सो अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है द रिसेप्टिकल जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा ये ट्यूबुलर आपको पार्ट दिख रहा है होती है स्टाइल एंड फाइनली ये जो नीचे वाला सोलन पोर्शन है दिस इज वॉट वी कॉल एज ओवरी ओके सो दिस इज द ओवरी ओके और ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सर्टेन ओव्यूल्स और ओव्यूल्स क्या होते हैं भाई द मेगा स्पोरजियम इज ये आपको याद रखना है तो ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स जो कहलाते हैं मेगा ओके okay? और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे मेगा स्पोर सेल अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ मैंने बताया था आपको जिम्नोस्पर्म के केस में ओव्यूल जो होते थे वो होते थे ऑर्थोट्रोपस इज इट यहां पर जो आपको ओव्यूल देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ एन दे आर गोइंग टू बी एनाट्रोपस ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है ये डिफरेंस है बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड यानी कि यहां पर अगर आप इसके ओव्यूल को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा ओके okay? सो so आप यहां नोट करेंगे तो जो स्टॉक है ना वो यहां पर लाई कर रही है दिस इज द फ्यूनिकल ये वाला एंड जो बेसल पोर्शन है दिस इज दलाजा और यहां पर पोर्शन जो वहाँ पर स्ट्रेट हुआ करता था वो घूम कैसे नीचे आ गया है एंड इट इज कॉल्ड द माइक्रो पाइल ऑल्सो ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दिस इज इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स बट जिम्नोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर इरेक्ट होगा सीधा बट यहां पर ठीक है ना अगर हम बात करें इनके मेगापोर मदरसेल्स की yes, मैंने आपको बोला ये अगर आपका मेगास्पोरजियम यानी कि क्या है ओव्यूल है तो ओव्यूल के अंदर क्या होंगे

एंड वहाँ पर भी जैसे देखा था कि चार मेगास्पोर बनते थे चार में से केवल एक ही फंक्शनल रहता था बाकी तीन क्या हो जाते थे डी तो यहाँ पर भी यही हो गया थ्री ऑफ विच यानी कि थ्री ऑफ दोज मेगास्पोर आर गोइंग टू डी जनरेट एंड ओनली वन रिमेन्स फंक्शनल और जो फंक्शनल मेगास्पोर है दैट विल गिव राइज टू द फीमेल गैमेटोफाइट ओके तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है सो so, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर था दैट विल अंडरगो माइटोटिक डिविजन तो सपोज अगर ये वो फंक्शनल मेगास्पोर है जो कि एक फंक्शनल रहा ना बाकी तीन डिजेनरेट हो गए सो so, ये अंडरगो करेगा फर्स्ट माइटोटिक डिविजन और यहां पर डेवलप होगा एक सेल जिसमें कि आपको देख, देखने को मिलेंगे दो न्यूक्लिया ठीक है देन फर्दर ये अंडर को करेगा द सेकेंड माइटोटिक डिविज़न जिसमें कि दो से बनेंगे चार न्यूक्लिया एंड फाइनली आपको एक और माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको एक ही सेल में देखने को मिलेंगे फोर से कितने डेवलप होंगे एट न्यूक्लिया ओके तो यानी कि यहाँ पर आपको एट न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल रही है ओके देन फाइनली क्या होगा ये एट न्यूक्लिया जो हैं ये अपने आप को एक डेफिनेट मैनर में अरेंज करेंगे और इनमें से जो सिक्स सेल्स हैं वो अपने चारों तरफ यू you नो know, एक वॉल डेवलप कर लेते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट होगा मेच्योर फॉर्म में वो कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पर आप देखेंगे जो आउट ऑफ एट थ्री न्यूक्लिया हैं वो आपको चलाजल एंड यानी कि जो चलाजा था ना याद होगा आपको मैंने आपको एनाट्रोपस ओव्यूल बना के दिखाया पिछली स्लाइड में सो so, उसमें आपने देखा था जो चलाजा वाला एंड है वहाँ पर तीन सेल्स अपने आप को तीन न्यूक्लिया अरेंज कर लेंगे एंड दे विल सेपरेट फ्रॉम वन अनदर विद अ वॉल तो ये जो सेल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एंटी पोडल्स ओके तो ये जो तीन सेल्स आपको चलाजा लैंड पे दिखेंगे दे आर एंटी पोडल्स और बाकी के जो रिमेनिंग थ्री सेल्स हैं दे विल गो एंड फॉर्म द एग एपरेटर्स एट द माइक्रोपाइलर एंड तो दिस इज द माइक्रोपाइलर पार्ट ओके सो माइक्रोपाइलर पार्ट में आपको यहाँ पर दो इन देखने को मिलेंगे और एक एग यानी कि दिस इज़ द फीमेल दिसमिट तो आपको फीमेल गैमिट यानी कि एग मिलेगा कहाँ पर द माइक्रोपाइलर एंड पे फाइन और रिमेनिंग के जो दो न्यूक्लिया हैं, वो आपको यहां सेंटर पे फ्लोट करते हुए दिखेंगे विच आर कॉल्ड द पोलर न्यूक्लिया ठीक है सो

अब आप जो पोलर न्यूक्लियाँ आपको सेंटर में आप फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस ठीक है सो दे विल फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि होगा डिप्लॉयड इन नेचर बट अगर हम बात करें बाकी रिमेनिंग सेल्स की बाकी रिमेनिंग सेल्स यानी कि एंटीबॉडल्स की और जो एग और आपका सिनरज हैं ये सभी के सभी होंगे हेप्लॉयड्स ठीक है इवन जब तक पोलर न्यूक्लिया है ना जब तक वो फ्यूज़ नहीं करे हैं तब तक दे आर ऑल्सो हेप्लॉयड क्यों भाई बिकॉज ये डेवलप किए हैं फ्रॉम द मेगापोर है ना और मेगास्पोर कैसा था हेप्लॉयड था और हेप्लॉइड होने की वजह से जब ये माइटोटिक डिवीजन जाएगा तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहने वाले हैं यानी कि एवरी टाइम आपको हर न्यूक्लिया में सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा यानी कि प्लॉयडी जो है वो मेंटेन्ड है एट हेप्लॉयड ठीक है इसीलिए यहां पर जितने भी आपको न्यूक्लियायर देखने को मिल रहे हैं दे आर ऑल गोइंग टू बी हेप्लॉयड इन नेचर ओके एंड जब वो फ्यूज कर जाएंगे दो पोलर न्यूक्लिया तब वो बना लेंगे द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी तो चलिए बच्चों अब हम फटाफट -फड़ से डिस्कस कर लेते हैं द सेक्सुअल इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स सो एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो बेसिक सेक्सुअल इवेंट्स देखने को मिलते हैं द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन जो कि आप बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हो और आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है जो मेल गैमिटोसाइट है यानी कि पॉलिन ग्रेन उसका ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेच्योर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द यू नो कार्पल सो यहाँ पर आप देख रहे हो सपोज अगर दिस इज योर स्टेमन सो so, स्टेम जो मेच्योर होगा ऑब्वियसली इसके जो एंतर हैं वो मेच्योर होने के बाद इसकी वॉल कर जाएगी रैप्चर और जो भी पोलिन ग्रेन इसने प्रोड्यूस किए थे दे आर गोइंग टू बी रिलीज ठीक है और ये रिलीज हो जाएंगे एंड दे विल फाइनली रीच द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ओके ओके इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन आई होप दिस इज वेरी वेल क्लियर टू एवरी ठीक है नाउ वी हैव द सेकेंड इवेंट विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन सो so, जो पोलन ग्रेन है वेन इट रीचेस द स्टिग्मा ये पोलिन ग्रेन आपको जर्मिनेट करता हुआ देखेगा सो so, ये यहाँ पर पोलिन ग्रेन रीच कर गया है एंड नाउ ये जर्मिनेट करेगा सो so, ये एक पोलिन ट्यूब के फॉर्म में ऐसे ग्रो करता हुआ देखेगा और ये स्टाइल से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा टू द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल सो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड है जहां पर एम्ब्रायोसैक या फीमेल गैमिटोफाइट है और उसका एग यहां पर उसके क्लोज प्रॉक्सिमेटी यानी कि क्लोज प्लेस है सो so, वहां पर आप देखेंगे ये जो पोलन ट्यूब है ये दो मेल गैमिट्स को कैरी करके लेके जा रहा है ओके okay? सो so, ये दो हैं मेल गैमिट्स एंड यहां पर दिस इज द एग ठीक है आई होप दिस इज क्लियर परफेक्ट नाउ जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है एंजियोस्पर्म के केस में इट इज़ एक्सक्लूसिवली कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के केस में कहते हैं और इस इवेंट को पहली बार यू नो डिस्कवर किया था नवास चंद ने ओके okay? सो so, अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के वो कौन से ऐसे दो फ्यूजन इवेंट्स हैं जिनकी वजह से उनका नाम डबल फर्टिलाइजेशन पड़ा ओके okay? सो so, पहला इवेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड सिनगैमी तो सिनगैमी में क्या होता है भाई सिनगैमी में मेल गैमीट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है यानी कि मेल गैमिट फ्यूज करेगा विद द फीमेल गैमिट कॉल्ड एग और क्या बनेगा भाई दोनों ही हेप्लॉइड है ना मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों हेप्लॉइड हैं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज दाइगोड और वो होगा डिप्लॉयड इन नेचर तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर एक फीमेल गैमिटोफाइड बनाया है जिसको हम सैक भी कहते हैं और यहाँ पर आपको तीन एंटीबोडल सेल्स दो पोलर न्यूक्लिया है और यहाँ पर आपको एग अपरेटर्स जिसमें आपको सेंट्रल एग दिख रहा है और साइड में दो सिन देखने को मिल रहे हैं सो so आप देख रहे हो यहाँ से एक यह पोलिन ट्यूब आ रहा है दो मेल गैमेट्स लेके और वो यहाँ आकर रेप्चर कर रहा है तो ये रिलीज करेगा दो मेल गैमेट्स को ओके सो so जो मेल दो गैमिट्स हैं वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे और फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स के थ्रू यहाँ से रिलीज होते हैं ओके इन में से एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज कर जाएगा विद द एग और बना देगा द डिप्लॉडोड तो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन कहलाता है सिन गैमी ओके आई होप दिस इज क्लियर नाउ अगर हम बात करें सेकेंड इवेंट की क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर प्रेजेंट थे दो मेल गैमिट्स तो एक ने तो फर्टिलाइजेशन कर दिया विद द एग बट व्हाट अबाउट द सेकंड वन जो सेकेंड वाला गैमिट था वो फ्यूज कर जाएगा विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस ओके एंड इट विल फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो यहां पर जो सेकेंड गैमिट है जो यहां रिलीज होगा वो जाके इस दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेकेंड मेल गैमेट के पहुंचने से पहले आपस में फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस राइट और जब ये थर्ड हिप्लॉय स्ट्रक्चर भी पर से कर जाएगा तो देव राइस टू तो यहां पर हम कहेंगे जो दो मेल न्यूक्लियर थे आपस में फ्यूज कर गए थे टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस राइट और इसमें भी जो मेल गैमिट है वह आके फ्यूज कर जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी ट्रिप्लॉयड इन नेचर राइट तो ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ओके तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गैमेट की फ्यूजन से बनता है सो सेकेंड पोलर सेकेंड न्यूक्लिया के आई मीन सेकेंड गैमेट के फ्यूजन से पहले हो सकता है कि ये दोनों पोलर न्यूक्लिया आपस में फ्यूज कर जाएं टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि होगा ड्रिप्लॉयड इन नेचर ओके नाउ वी विल कंसिडर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन एंजियोस्पर्म्स यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ओके सो जो जाएगोट होता है जो कि बना था बाय सिन गैमी यानी कि मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन से दैट विल टर्न इन टू एम्ब्रायो ओके देन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो जाता है इन टू एंडोस्पॉम और एंडोस्पर्म क्या है भाई एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ओके सो रिमेंबर दिस पॉइंट और याद रखिएगा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था दैट वाज ट्रिप्लॉइड ना क्योंकि उसमें तीन हेप्लॉड न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ था कैसे आपको पता था ना मेल गामिट देन दो पोलर न्यूक्लियर जो कि हेप्लॉयड थे ये तीनों हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज करते हैं टू तो फॉर्म द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो इसका मतलब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलप हुआ जो एंडोस्पर्म है इसकी प्लॉयडी भी क्या होगी ट्रिप्लॉयड तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है दैट इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर फाइन देन वी गो ऑन टू द ओव्यूल ओव्यूल जो है वो मेच्योर हो जाता है इन टू सीड एंड फाइनली वी हैव द ओवरी जो कि मेच्योर होती है इन टू द फ्रूट आई होप दिस इज़ वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर विच इज लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस राइट सो हमने देखा था किसी भी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट के केस में आप देखते हैं कि कभी मेन प्लांट बॉडी एक गैमिटोफाइड होती है जो कि हेप्लॉइड होती है और वो गिवराइज करती है किसको एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को या कभी आपने देखा था कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमिटोफाइट को आ, प्रोड्यूस करता है तो इस तरीके से ना आप किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की अगर लाइफ साइकिल देखेंगे तो स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमिटोफिटिक जनरेशन को में कन्वर्ट हो जाती है और जनरेशन स्पोरोफेटिक जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये साइकिल ना बेसिकली चलती ही रहती है इस ही जनरेशन के ऑल्टरनेशन को हम कहते हैं द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन राइट सो अकॉर्डिंगली कि भाई कौन सी फेज़ जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हम प्लांट की लाइफ साइकिल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ओके okay? सो so, पहली लाइफ साइकिल है विच इज कॉल्ड द हेपलॉन्टिक लाइफ साइकिल सेकेंड इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक एंड थर्ड इज कॉल्ड हेप्लो डिप्लॉन्टिक तो आपको नाम में ही आंसर मिल रहा होगा हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑब्वियसली हेप्लॉयड जनरेशन इज गोइंग टू बी डोमिनेंट यानी कि गैमिटोफेटिक जनरेशन होगी डोमिनेंट ओके डिप्लॉन्टिक में आपको डिप्लॉइड जनरेशन जो कि स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता था वो रहेगी डोमिनेंट एंड इन केस ऑफ हेप्लो डिप्लॉन्टिक दोनों ही जनरेशन जो होंगी वो इक्वली डोमिनेंट होंगी ओके okay? तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी पहली लाइफ साइकिल विच इज़ द हेपलॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड ऑब्वियसली यू नो द डोमिनेंट फेज इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो होगी वो कौन सी होगी भाई हेपलॉइड गैमेटोफाइट क्योंकि साइकिल का नाम ही हेपलॉन्टिक है यानी कि हेप्लॉयड फेज तो ऑब्वियसली डोमिनेंट होने ही वाली है राइट ओके सो आप जानते हैं ये जो लाइफ uh, साइकिल है इसमें आप मेन जो गैमिटोफिटिक बॉडी है

एंड सिन गैमी होने के बाद ऑब्वियसली एक डिप्लॉयड जायगोट बनेगा बट यहां पर आप देख रहे हो कि प्लॉयडी चेंज हुई गैमिड जो थे वो अभी तक हिप्लॉयड थे उनका फर्टिलाइजेशन होने पर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना जिसे हम जायोड कहते हैं ओके okay. तो ये जो जायगोट है बस एक ही स्टेज ऐसी है जो कि क्या करेगी डिप्लॉयड जनरेशन को एग्जिबिट करेगी बाकी क्या होगा ये जो जायगोट है बनते ही करेगा मियास और मियोसिस होने के बाद आपको दिखेंगे बनते हुए स्पोर्स तो यानी कि एक जायगोट ही अंडर को कर जाएगा मियोसिस टू फॉर्म द देप्लॉइड स्पोर्स तो अगर हम कहें स्पोरोफिटिक जनरेशन की यानी कि डिप्लॉड जनरेशन की, की बात वो सिर्फ एक ही सेल शो कर रहा है विच जायगोट ओके तो आप देख रहे हो मेजोरिटी ऑफ जो फेज जो है वो क्या डिनोट कर रही है द जनरेशन क्योंकि स्पोर्ट जो बने हैं वो भी हेप्लॉयड है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे द गैमिटोफाइड और गैमिटोफाइड वापस बनाएंगे गैमिट्स और गैमिट का फ्यूजन करके बनेगा वापस से जयगोट तो जायगोट ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिप्लॉइड कंडीशन शो कर रहा है सो स्पोरोफिटिक फेज जो है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है बहुत ही छोटी है विच इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल जायगोट ओके एंड यहाँ पर आपको देखेगा कि जो जायगोट है वो मियोसिस शो करता है तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जायगोटिक मियोसिस यानी कि जयगोट ही मियोसिस कर देगा ओके okay? एंड ये देखने को मिलता है इन मोस्ट ऑफ द एल्गा कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि आ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइक वॉलवॉक्स स्पायर वैरा जो ग्रीन एल्गा है है ना एंड कुछ स्पीशीज क्लामाइडोमोनाफ की भी ये लाइफ साइकिल शो करती है बट देर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल एक्सेप्शन के केस में आपको आगे की लाइफ साइकिल्स में उनको आ, वो मिल जाएंगे राइट right? तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ साइकिल विच इज़ द डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जैसा कि नाम डिनोट कर रहा है यहां पर जो डोमिनेंट फेज होगी इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट वो होगी डिप्लॉइड इन नेचर और डिप्लॉइड जनरेशन को कौन सी प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करती थी द स्पोरोफाइट तो द डोमिनेंट फेज विल बी अ स्पोरोफाइट ओके और जो हेप्लॉइड गैमिटोफाइट होगी वो क्या होगी द डिपेंडेंट स्टेज राइट ओके सो गैमिटोटिक फेज जो है वो वैसे भी शॉर्ट लिव्ड है और वो रिप्रेजेंट होती है बाय वन टू फ्यू सेल्ड है, okay? so, अगर हम life cycle को देखते हैं तो हम जानते हैं जो मेन बॉडी है, right? जो है. अब आप जानते हैं, उनके पास क्या होंगे द स्पोरजिया और स्पोरजिया में क्या प्रेजेंट होते थे स्पोर मदर सेल्स राइट तो स्पोर मदर सेल्स अंडर गो करते हैं क्या मियोसिस और मियोसिस करके वो क्या प्रोड्यूस करेंगे हेप्लॉइड स्पोर्ट राइट सो यहां पर ये आपके सामने जो है दीज आर द स्पोर्ट्स जो कि है हेप्लॉइड राइट right? और आप जानते हैं स्पोर्ट जो है वो जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करते थे द गैमिटोफाइट राइट सो गैमिटोफाइट जो है हेप्लॉइड जनरेशन शो कर रही है एंड गैमिटोफाइट में प्रेजेंट होते हैं गैमिटैंडिया जो कि प्रोड्यूस करेंगे द मेल एंड फीमेल गैमिट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस बेसिकली क्या था ये फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स ओके सो गैमिटोजेनेसिस से बनते हैं भाई क्या मेल एंड फीमेल गैमिट ओके सो गैमिट्स का फॉर्मेशन होने के बाद फाइनली होती है द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है एक जायगोट जो कि फर्दर प्रोड्यूस करता है तो आपने इस पूरी लाइफ साइकिल में देखा जो ज्यादातर फेज है वो आपको देखने को मिल रहा है द डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज और जो गैमिटोफिटिक फेज है वो देखिए कितना छोटा सा सेक्शन ही डिनोट कर रहा है सो ऐसी लाइफ साइकिल में आपको डोमिनेंट फेज दिखता है एक डिप्लॉइड right? so, स्पोरो नाम पड़ा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनको जो ये लाइफ साइकिल शो करते हैं सो so, सबसे पहले तो जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स हैं वॉट आर स्पर्मेटोफाइट्स याद करिए ये yes, दे वर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स राइट द हायर प्लांट्स सो इसमें आते थे आपके जिम्नोस्पर्म्स जिनके पास प्रेजेंट थे नेकेड सीड्स एंड द एंजियोस्पर्म्स जो कि आते हैं द फ्लावरिंग प्लांट्स ओके okay? सो so, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स शो करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल राइट एंड देन वी हैड मैंने आपको बताया था हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एक्सेप्शन कि सर्टन एल्गा ऐसे भी हैं जो कि हेपलॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करते हैं और उनमें से एक एल्गा यहां पर हम डिनोट करते हैं एज फ्यूकस याद है आप सबको फ्यूकस यस फ्यूकस वॉज अ ब्राउन एल्गी ओके तो फ्यूकस जो है वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करता बल्कि कौन सी लाइफ साइकिल शो करता है डिप्लॉन्टिक दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है आई होप दिस इज क्लियर तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज लाइफ लाइफ साइकिल साइकिल सो ये जो है ये बेसिकली इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल है बिटवीन हेप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाइन ओके तो ये कौन शो करता है दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज एक्सिबिटेड बाय ब्रायोफाइट्स एंड टेरेडोफाइट ओके अब बस फर्क कितना होता है फर्क इतना ही होता है कि ब्रायोफाइट के, के केस में जो डोमिनेंट फेज है वो होती है गैमेटोफिटिक जिसपे की डिपेंडेंट होती है एक स्पोरोफेटिक फेज है ना जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है वाइल टेरेरोफाइट्स के, के केस में आपको पता है डोमिनेंट फेज जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिप्लोइड स्पोरोफाइट और जो हेप्लॉइड गैमेटोफेटिक फेज है वो शॉर्ट लिव्ड है और वो डिपेंडेंट होती है पार्शली या होली ऑन द स्पोरोफाइट फाइन तो अब हम इनकी लाइफ साइकिल को फटाफट से कंसिडर कर लेते हैं तो मान के चलते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं द लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरेरोफाइट ओके तो टेरिडोफाइट के केस में जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज अ स्पोरोफाइट तो हम यहां से बिगिन करेंगे अगर हम स्टार्ट करते फ्रॉम ब्रायोफाइट तो फिर हम यहां से स्टार्ट करते फ्रॉम द गैमेटोफाइट क्योंकि उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है गैमिटोफिटिक यानी कि हिप्लोइड इन नेचर राइट सो हम स्पोरोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता है स्पोरोफिटिक बॉडी है यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग इन नेचर है तो ये प्रोड्यूस करेंगे क्या स्पोर्स बाय विच प्रोसेस द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस तो मियोसिस करके स्पोरोफाइट क्या बना देते हैं ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं बट आप समझने की कोशिश करिए स्पोरो फाइट में क्या होते थे स्पोर एंजिया होते थे जिनमें क्या प्रेजेंट होते थे स्पोर मदरसेल जो मियोस करते थे टू प्रोड्यूस द स्पोर्ट्स राइट ना ये जो स्पोर्ट्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म द गैमिटो फाइट आप आई थिंक मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको अब तक आ जाना चाहिए ठीक है सो गैमिटो फाइट जो है वो डेवलप हो गया फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ दी स्पोर्स। नाउ ये जो गैमिट हैं या गैमिटोफाइट हैं इनके अंदर क्या होंगे गैमिटाइनजिया जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे द गैमिट्स ओके तो दे विल अंडर गो गैमिटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ गैमिट फॉर्मेशन एंड फाइनली गैमिट्स का प्रोडक्शन होगा ओके एंड गैमिट्स करेंगे बाद में फर्टिलाइजेशन विच इज कॉल्ड सिन गैमी और सिनगैमी से जो गैमिट्स हैं वो फर्टिलाइज करने के बाद बना देंगे तो जाएगोड़. टू द स्पोरो विल कंटिन्यू लाइक दिस तो यहां आप देख रहे हो ये जो फेज है इसमें सभी में आपको डिप्लॉइड कंडीशन देखने को मिल रही है. है ना तो ये वाली फेज क्या हुई स्पोरोफेटिक फेज और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द हेप्लॉइड फेज यानी कि द गैमिटोफिटिक फेज तो यहाँ पर ये दोनों लाइफ साइकिल ये दोनों फेज जो हैं, वो equally dominant है वो इक्वली डोमिनेंट है सो ऐसी टाइप की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं द हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और इसके एग्जाम्पल्स हैं ओके कुछ एल्गी जैसे कि एक्टोकार्पस पॉलिसाइफोनिया एंड कैल्प्स सो बेसिकली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तो ये लाइफ साइकिल शो करते ही थे बट यू हैव टू रिमेंबर कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बोला था एलगी में हर एलगी जो है वो शो नहीं करेगा द हिपलॉन्टिक लाइफ साइकिल देर विल बी सम एक्सेप्शन सो कुछ एक्सेप्शन जो आपको याद याद रखने हैं दैट इज ऑफ अ ब्राउन एलगी कॉल्ड द एक्टोकार्पस देन वी हैव पॉलीसाइफोनिया ओके एंड विच वॉज अ रेड एल्गी एंड वी हैव कैल्फ जो कि ब्राउन एल्गी में आते हैं सो so, अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कैल्प्स को याद कर लीजिए इसी के आपको ई e और पी से याद हो जाने चाहिए द एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया ओके सो बच्चों इसके साथ हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम होता है फिनिश आज की वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कवर किया और देखिए उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आप इनको प्रैक्टिस करके यू you नो know, अपने कॉन्सेप्ट्स को और ब्रश अप कर सकते हैं तो so, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे साथ इस सीरीज पे ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपको और ऐसे क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे प्रैक्टिस ओके सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है